परिचय। मम्मी देखो, मैंने दो समान समकोण त्रिभुजों को जोड़कर एक नया त्रिभुज बनाया है। बहुत अच्छे राहुल, क्या तुमने नए त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का निरीक्षण किया? हाँ मम्मी, दोनों भुजाएं और दोनों कोण समान हैं। बहुत अच्छे, अब दो समकोण त्रिभुजों को जोड़कर नया त्रिभुज बनाओ जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान हों। मैंने वो भी बना लिया है मम्मी। इस पाठ में आप त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक त्रिभुज की माध्यिका एवं शीर्ष लंब को परिभाषित करना, एक त्रिभुज के बाह्य कोण के गुणों को बताना, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण समझाना, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध स्थापित करना, समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुजों के गुणों पर चर्चा करना, एक समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण की व्याख्या करना, त्रिभुज के शीर्ष लंब एवं माध्यिकाएं। एक त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसमें तीन रेखाखंडों से निर्मित तीन भुजाएं होती हैं। दो आसन्न रेखाखंडों से निर्मित तीन कोण होते हैं तथा दो भुजाओं के मिलान बिंदु से निर्मित तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में माध्यिकाएं और शीर्ष लंब भी होते हैं। माध्यिकाएं। एक त्रिभुज की माध्यिका एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया एक रेखाखंड होती है जो उसे समद्विभाजित करती है। आकृति में शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर एक रेखाखंड PS खींचा गया है। ये QR को दो बराबर भागों में विभक्त करता है, इसलिए एक शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर PS एक माध्यिका है। एक त्रिभुज में उसके प्रत्येक शीर्ष से खींची गई तीन माध्यिकाएं होती हैं। आइए शेष दो माध्यिकाएं खींचते हैं। हम PR को बिंदु T पर उसे समद्विभाजित करने के लिए Q से एक रेखाखंड खींचते हैं। अतः शीर्ष Q से सम्मुख भुजा PR पर खींची गई QT एक माध्यिका है। हम QP को बिंदु U पर उसे समद्विभाजित करने के लिए R से एक रेखाखंड खींचते हैं। इसलिए शीर्ष R से सम्मुख भुजा QP पर खींची गई RU एक माध्यिका है। शीर्ष लंब। एक त्रिभुज का शीर्ष लंब त्रिभुज की ऊंचाई की एक माप होता है। ये किसी त्रिभुज के आधार के लंबवत उसके सम्मुख शीर्ष से खींचा गया एक रेखाखंड होता है। इस आकृति में शीर्ष P से आधार QR पर एक रेखाखंड PS लंबवत खींचा गया है। ये QR को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए PS QR आधार वाले एक त्रिभुज PQR का शीर्ष लंब है। तीन शीर्षों के संगत एक त्रिभुज के तीन भिन्न शीर्ष लंब होते हैं। आइए अब हम शेष शीर्ष लंबों को ध्यान से देखते हैं। हम Q से RP के बिंदु T पर एक लंबवत रेखाखंड खींचते हैं। ये RP को समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए QT आधार RP वाले त्रिभुज QRP का शीर्ष लंब है। हम R से PQ के बिंदु U पर एक और लंबवत रेखाखंड खींचते हैं। ये
पी क्यू को समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः आर यू आधार पी क्यू वाले त्रिभुज आर पी क्यू का शीर्ष लंब है। त्रिभुज के बाह्य कोण। एक त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं, इसके कुछ बाह्य कोण भी होते हैं। आइए अब हम इनको ध्यान से देखते हैं। एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। एक त्रिभुज के एक शीर्ष का विस्तार करके हम एक बाह्य कोण की रचना कर सकते हैं। तीन शीर्षों के संगत एक त्रिभुज के छह बाह्य कोण होते हैं। यदि हम त्रिभुज एफ डी ई के शीर्ष ई का विस्तार करते हैं, तब बाह्य कोण एफ ई जी की रचना होती है। इसी प्रकार जब हम शीर्ष डी तथा एफ का विस्तार करते हैं, तब बाह्य कोणों ई डी एच तथा डी एफ आई की रचना होती है। एक त्रिभुज के एक बाह्य कोण की माप इसके सम्मुख अंतः कोणों की मापों के योगफल के बराबर होती है। आकृति में कोण एफ ई जी की माप कोणों एफ डी ई तथा डी एफ ई के योगफल के बराबर है। आइए अब इसे सिद्ध करते हैं। हम एक बिंदु ई से एक रेखाखंड ई जे इस तरह खींचते हैं कि ई जे तथा डी एफ समानांतर हैं। यदि हम आई ई को एक तिर्यक रेखा मानते हैं जो समानांतर रेखाओं डी एफ तथा ई जे को प्रतिच्छेदित करती है, तब कोण एक बराबर कोण चार ये एकांतर कोण हैं। यदि हम डी जी को एक तिर्यक रेखा मानते हैं जो समानांतर रेखाओं डी एफ तथा ई जे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तब कोण दो बराबर कोण पांच है ये संगत कोण है। चरण एक और दो से हमें प्राप्त होता है कि कोण एक जमा कोण दो बराबर कोण चार जमा कोण पांच है। इसका तात्पर्य है कि कोण एफ ई जी बराबर कोण डी एफ ई जमा कोण एफ डी ई है। अतः एक त्रिभुज का बाह्य कोण आत्म मूल्यांकन। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़िए एवं सही उत्तरों का चयन कीजिए। त्रिभुज के गुण। एक त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाएं विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हैं। कोणों के योग का गुण। भुजाओं की लंबाई के योगफल का गुण। आइए इनके बारे में एक एक करके जानें। कोणों के योग का गुण। एक त्रिभुज के कोणों के योग का गुण बताता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। आकृति में कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री है। आइए अब हम एक त्रिभुज के कोणों के योग के गुण को सिद्ध करते हैं। आइए कोण बी ए सी का विस्तार करें। कोण चार बराबर कोण दो जमा कोण तीन है, ये बाह्य कोण के गुण द्वारा है। कोण एक को दोनों तरफ जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कोण एक जमा कोण चार बराबर कोण एक जमा कोण दो जमा कोण तीन। कोण एक जमा कोण चार
बराबर 180 डिग्री। इसका तात्पर्य है कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। अतः एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। भुजाओं की लंबाइयों के योग का गुण। एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। तीन रेखा खंडों जिनकी लंबाई इस गुण को संतुष्ट नहीं करती है उससे एक त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। त्रिभुज LMN में LM 5 सेंटीमीटर लंबी है, MN 4 सेंटीमीटर लंबी है तथा NL 7 सेंटीमीटर लंबी है। आइए सर्वप्रथम दो भुजाओं की लंबाइयों के योग को देखते हैं। LM जमा MN बराबर 5 जमा 4 बराबर 9 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ी है NL से, जो 7 सेंटीमीटर की है। MN जमा NL बराबर 4 जमा 7 बराबर 11 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ी है LM से, जो 5 सेंटीमीटर की है। NL जमा LM बराबर 7 जमा 5 बराबर 12 सेंटीमीटर, जो कि बड़ी है MN से, जो 4 सेंटीमीटर की है। आइए सर्वप्रथम दो भुजाओं की लंबाइयों के मध्य अंतर को देखते हैं। LM घटा MN बराबर 5 घटा 4 बराबर 1 सेंटीमीटर है, जो कि छोटी है NL से, जो 7 सेंटीमीटर की है। NL घटा MN बराबर 7 घटा 4 बराबर 3 सेंटीमीटर है, जो कि छोटी है LM से, जो 5 सेंटीमीटर की है। NL घटा LM बराबर 7 घटा 5 बराबर 2 सेंटीमीटर है, जो कि छोटी है MN से, जो 4 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज LMN भुजाओं की लंबाई के योगफल को संतुष्ट करता है। विशेष त्रिभुज। कुछ विशेष त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के कुछ विशेष गुण होते हैं। ये विशेष त्रिभुज इस प्रकार हैं: समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और समकोण। आइए इनके बारे में जानें। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। त्रिभुज RST में RS बराबर ST बराबर TR है। एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की मापें भी समान होती हैं। त्रिभुज RST में कोण RST बराबर कोण STR बराबर कोण TRS है। अतः एक समबाहु त्रिभुज एक समकोणिक भी होता है। सम द्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीन में से दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। त्रिभुज LMN में LM बराबर LN है। एक सम द्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। त्रिभुज LMN में कोण LMN बराबर कोण LNM है।
एक समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा सबसे लंबी होती है, इसे कर्ण कहते हैं। दो भुजाएं जो उनके बीच समकोण बनाती हैं, समकोण त्रिभुज का पाद कहलाती हैं। पाइथागोरस नाम के एक यूनानी दार्शनिक द्वारा खोजे गए पाइथागोरस गुण के अनुसार एक समकोण त्रिभुज के दो पादों की लंबाइयों के वर्ग का योगफल उसके कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस गुण के अनुसार समकोण त्रिभुज PQR में PQ वर्ग जमा QR वर्ग बराबर PR वर्ग है। त्रिभुज XYZ में ये दिया गया है कि XY वर्ग जमा YZ वर्ग बराबर XZ वर्ग है। आइए सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराते हैं। एक त्रिभुज की माध्यिका एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया एक रेखाखंड होती है जो उसे समद्विभाजित करती है। एक त्रिभुज का शीर्ष लंब त्रिभुज के आधार पर सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब होता है। एक त्रिभुज के बाह्य कोण की माप सम्मुख अंतःकोणों की मापों के योगफल के बराबर होती है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक समबाहु त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। एक समकोण त्रिभुज के दो पादों की लंबाइयों के वर्ग का योगफल उसके कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है।